नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। आरएसएस के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का हुआ समापन। इस अवसर पर संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयास हम सबको करना चाहिए। केदारनाथ में स्थापित की गई विशाल ओम की प्रतिमा, कांसे से बना 6 टन वजनी है यह चिन्ह। संगम घाट के निकट श्रद्धालु करेंगे ओम प्रतिमा के दर्शन, श्रद्धालुओं में उत्साह का वातावरण। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के गर्भगृह के फर्श का काम आज से शुरू हो गया है। गर्भगृह में नक्काशीदार मकराना मार्बल से होगी फ्लोरिंग। ज्ञानवापी मंदिर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय, कहा पहले पूजा से जब मस्जिद के चरित्र को कोई खतरा नहीं हुआ तो अब नियमित पूजा से मस्जिद के चरित्र में बदलाव कैसे हो सकता है। सरकार चाहे तो रेगुलेशन के माध्यम से कर सकती है पूजा की व्यवस्था। यूपी के संभल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने और साक्षी की नृशंस हत्या करने वाले साहिल को फांसी देने की मांग की। यूपी के वाराणसी में अन्नपूर्णा ट्रस्ट महिलाओं को बना रहा है स्वावलंबी। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को बांटी गई सिलाई मशीन, छात्रों को दिया गया लैपटॉप। यूपी के वाराणसी में भिक्षावृत्ति मुक्त काशी अभियान शुरू। मिशन में पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारी भी हुए सम्मिलित। 1 से 30 जून तक 2 चरणों में चलेगा यह अभियान। यूपी के भदोही में 8वीं पास महिला प्रधान ने बदली गांव की तस्वीर। बच्चों की शिक्षा का रखा ध्यान तो किसानों के पशुओं के लिए किया चारे का प्रबंध। लोग कर रहे हैं प्रधान की प्रशंसा। आगरा किले के बारे में आरटीआई से हुआ खुलासा। पुरातत्व विभाग को नहीं पता पहले किसने बनवाया किला, अकबर ने किले में क्या क्या बदलाव किए। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।